नमस्कार, मेरी शक्ति आयुशक्ति में आपका स्वागत है। किसी को जब हम खर्राटे लेते हुए सोते देखते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि ये तो घोड़े बेचकर सो गया। लेकिन वास्तव में जो इंसान खर्राटे लेके सोता है ना, वो एक्चुअली घोड़े बेच के सोता ही नहीं है, क्योंकि उसकी नींद गहरी होती भी नहीं और उसे पता तक नहीं कि मैं गहरी नींद नहीं ले पा रहा हूँ और उसकी वजह से सुबह उठकर मुझे थकान महसूस होती है, फ्रेश नहीं लगता है, ऐसा लगता है और 2-3 घंटा सो जाऊं, क्यों काम पे जाना पड़ रहा है यार, और सो जाऊं तो कितना अच्छा लगे। तो ये भी एक तरह का निंद्रा का रोग है, स्नोरिंग। करीब करीब 60-70% लोगों को इस दुनिया में 40-45 साल की आयु के बाद होता ही होता है, और उसमें भी आदमियों को सबसे ज़्यादा होता है, औरतों को थोड़ा सा कम होता है। तो कई लोग और ख़ास तौर मर्दों को खर्राटों की तकलीफ होती है और उन्हें लगता है कि वे काफ़ी अच्छी नींद ले रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि खर्राटों की वजह से उनकी नींद अच्छी नहीं होती है। लंदन में एक बार एक कपल मुझे मिलने आया था। हस्बैंड को नाइट ब्लाइंडनेस थी और दिन भर वो बहुत ही थकान महसूस करता था। कभी कभी तो गाड़ी चलाते चलाते ही नींद आती थी और सो जाता था, पता भी नहीं चलता था। यानी उसको डॉक्टर ने गाड़ी चलाने तक मना किया था क्योंकि उसको इतनी नींद आती थी दिन भर। तो ये उनकी जब मैंने नाड़ी देखी तो मैंने उनको तुरंत पूछा कि क्या आप खर्राटे लेते हैं? तो उसने बोला नहीं तो, लेकिन उसकी पत्नी ने तुरंत साथ में ही बोला हाँ, इतने जोर से खर्राटे लेते हो मुझे नींद तक नहीं आती। उसका हस्बैंड बोलता है अरे आपने मुझे कभी बताया नहीं। बोलते क्या करूं, मैं दूसरे रूम में नहीं सो सकती अकेले आपके बगैर। तो सच बात तो यही है कि खर्राटों की वजह से आपके कंपेनियन की नींद तो खराब हो ही जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि खर्राटे लेना आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि खर्राटे की जो वजह है वो ये है कि हमारी ब्रीदिंग, यानी रात भर हम सांस तो हमेशा लेते ही रहते, दिन भर भी लेते हैं और हमेशा लेते रहते, सांस रुक गई तो हम रुक गए। तो ये खर्राटे क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हमारी ब्रीदिंग के अंदर ब्लॉकेज होती है और उसकी वजह से खर्राटे पैदा होते हैं। और ये खर्राटे यानी स्नोरिंग यदि हम टेक केयर ना करें तो वो बढ़ते 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 खतरनाक ऐसी स्लीप एपनिया की बीमारी में परिवर्तित होते हैं, जिसके कारण कहीं लोगों को नींद में ही हार्ट अटैक आ सकता है। इसीलिए यदि किसी को खर्राटे होते हो या स्नोरिंग होता हो तो इनको उसका उपाय डेफिनेटली करना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारी जो जीभ है उसकी जड़ पे यानी रूट ऑफ आवर टंग, उसमें एक उव्युला नाम का एक नर्म तालु रहता है। अब ये तालु का कार्य ये हो है कि जब हम खाना खाते हैं तो हम खाना चबाते हैं तो वो खाना फूड पाइप में ही जाना चाहिए। अगर विंड पाइप में चला गया यानी हवा की हमारी जो नली, जो सांस लेने की नलिका है, वहाँ चला गया तो हम तो चौकअप हो जाएंगे। तो ये उव्युला विंड पाइप को बंद करती है। जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे फूड पाइप यहाँ होती है, यहाँ से खाना नीचे उतरता है, विंड पाइप बंद हो जाती है ये तालू की वजह से। लेकिन रात को जब हम सो जाते हैं तो कहीं बार ज़्यादा वायु और कफ के कारण ये तालू का जो लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और इसके कारण हमें सांस लेने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ये तालू जो है वो हमारी विंड पाइप को ब्लॉक कर देती है और हमें पता भी नहीं चलता, और ये ब्लॉकेज की वजह से खर्राटों की आवाज़ आती है। बांसुरी का ही जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, जिसमें आप फूंक मारते हैं बंसुरी में तो यदि उसमें छेद नहीं होते तो कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब आप उंगलियों से छेद को खोलते हैं तो फिर अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आती है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा छेद खोला। तो उसी तरीके से ये उव्युला, क्योंकि ब्रीदिंग जब चलती रहती है तो उव्युला उसे पार्टली ब्लॉक करती है, तो उसकी वजह से ये छेद जैसी होकर के हवा रिसती है, मतलब हवा
दूसरी दिशा में चली जाती है और उसकी वजह से आवाज पैदा होता है। और जब नर्म तालु सांस लेने में बाधा पैदा करती है तब खर्राटों की आवाज़ें आने लगती है। तो इसलिए ये नर्म तालु यानी कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो चली गई है वो हमें ठीक करनी बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो कभी नींद में सांस बंद हो जा करके जान भी चली जा सकती है। तो खर्राटे लेने पर हवा का बहाव अवरुद्ध होने के कारण सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन पाने की कोशिश हम करते हैं तो नींद में हमें पता नहीं चलते हुए भी खलल पड़ जाता है। और शुरुआत में जब स्नोरिंग ही होती है यानी कि स्लीप एपनिया नहीं हुई है तब आपको पता भी नहीं चलता और बीच बीच में नींद में खलल पड़ती है, आप जागरूक होते फिर वापस सो जाते, फिर जागरूक होते फिर वापस सो जाते, और इस तरीके से रात भर करीब 10 से 20 बार होते ही रहता है। सुबह जब उठते हैं तो आप थकी हुई सुस्त और लेथार्जिक अवस्था में जाग जाते हैं, आपको लेथार्जिक महसूस होता है, लगता है कि मैं कैसे काम करूँगा। तो मैंने इस व्यक्ति को एक स्पेशल घरेलू नुस्खा दिया, इस नुस्खे को 6 महीने तक लेने पर उनकी 10 वर्ष पुरानी खर्राटों की समस्या दूर हो गई, दिन में नींद आना बंद हो गया। साथ में मैंने उनको नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय दिए तो धीरे धीरे उनको रात को थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया और गाड़ी चलाना भी उनके लिए आसान हो गया। तो सबसे पहले जिनको भी स्नोरिंग होता है उन्हें शाम के वक्त पर स्पेशली तला हुआ गेहूँ, दूध के उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दही है, चीज़ है, दूध की मिठाइयाँ हैं या रेड मीट, इतनी चीज़ें शाम के वक्त खाने में बिल्कुल न लेनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से एक प्रकार की म्यूकस बनती है, बलगम बनता है जो हमारी श्वसन नलिकाओं में बैठ करके हमारी ब्रीदिंग को अवरुद्ध करता है और उसकी वजह से खर्राटे पैदा होते हैं। सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ एक छोटा चम्मच घी ले लें। घी आपको पता है प्योर घी जिसे हम बोलते हैं, ये सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें एक छोटी चम्मच प्योर घी उसमें मिला करके पी लीजिए, क्योंकि घी जो है वो वायु को कम करता है, हमारी उव्यूला यानी कि ताड़ू जो जैसे मैंने बताया जीभ के रूट में होती है ये फ्लेक्सिबिलिटी गवा देती है जब वायु बढ़ जाता है, वायु हमेशा रिजिडिटी लाता है, तो वायु कम करते हैं तो स्नायुओं में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है। तो ये घी रात को जब हम लेते हैं तो उसकी वजह से यहाँ से वायु कम होने लगता है, उससे ताड़ू में एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है, मजबूती आती है और कसाव पैदा होती है। ये इस साधारण सुझाव से मैंने 80% लोगों के खर्राटे 6 से 9 महीने में बंद होते हुए देखे हैं। तो यदि आपको खर्राटे की समस्या है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, लेकिन ये कुदरती उपाय करते रहिए तो धीरे धीरे खर्राटे बंद हो जाएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, आप सुबह उठेंगे तो बहुत ही फ्रेश ताज़ा महसूस करेंगे और साथ में बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियों से दूर रहेंगे। यदि आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसके कुदरती तौर के समाधान आप मुझसे चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमें ईमेल करके लिखिए